कटिहार में भूमि कटाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। सीएम नीतीश आज करेंगे कटिहार का दौरा। मनिहारी में हो रहे कटाव को देखने के लिए पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, और सीएम के इस दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बागमारा और गांधी टोला में कटाव ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। बागमारा और गांधी टोला में भीषण कटाव हो रहा है, जिले के आला अधिकारियों ने मनिहारी का कैंप किया है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार आज कटिहार के मनिहारी का दौरा करेंगे, जहां वो भूमि कटाव की स्थिति का जायजा भी लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, और जिसको लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी मनिहारी का कैंप कर रहे हैं। बागमारा और गांधी टोला में भीषण कटाव हो रहा है, जिसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है, और जिसका लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ता है। लिहाजा काफी दिनों से स्थानीय लोग शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे। सीएम के आज इस दौरे से लोगों में उम्मीद की एक किरण जगी है कि मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे और उसका समाधान करेंगे। बहरहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार आज कटिहार पहुंचेंगे, और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, आज नीतीश कुमार कटिहार का दौरा करेंगे, लोगों को उम्मीद है कि उनकी जो परेशानी है, इतने दिनों से जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद से उनकी ये परेशानियां शायद खत्म हो जाए। देखिए शिवानी, ये जो मनिहारी गंगा घाट है, यहाँ बागमारा और दोनों दो जगह जो भीषण कटाव होती हैं, कई दर्जन गांवें कट करके गंगा में विलीन हो चुकी हैं, और कई जिंदगियां कहीं भी इस गंगा में विलीन हो चुकी हैं, और जिसके चलते लोग विस्थापित भी हुए हैं, और विस्थापित और पुनर्वास और कटाव को लेकर के लंबे समय से लोग स्थानीय जो मनिहारी के लोग हैं मांग कर रहे थे कि कटाव से निजात दिलाई जाए, जिसके चलते सरकार से भी उसकी सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री बिहार के खुद अपनी आंख चलकर खुद उनकी वस्तु स्थिति को देखने पहुंच रहे हैं, ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। स्थानीय लोगों ने ये कहा कि भागीरथी बनकर नीतीश कुमार गंगा घाट पर आ रहे हैं और हम लोग को उद्धार करने के लिए नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है शिवानी। बिल्कुल, जानना ये भी चाहूंगी नीरज आपसे, आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं कटिहार का दौरा करने, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वहां पर? देखिए यहाँ पे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों कैंप किए हुए हैं, पूरी तरह सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से 12 बजे के करीब उनका हेलीकॉप्टर यहां लैंड करेगा और खुद चलकर के बाढ़ पीड़ित से कटाव पीड़ित से मिलेंगे। तो सुरक्षा के साथ साथ कटाव से जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी प्रशासन को कॉपरेट कर रहे हैं, और प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर के लोगों से मिल रहे हैं कि आपकी और जो जो समस्या है वो मुख्यमंत्री से शेयर कर सकते हैं। जी शिवानी, बिल्कुल नीरज, जानना ये भी चाहूंगी मुख्यमंत्री कब तक कटिहार पहुंच जाएंगे, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल जो हम लोग हमारे पास जो भी जानकारी मिली है, 12:45 पे वो पटना से निकलेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा, और 1:30 पर वो मनिहारी लैंड करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, और मिलने के बाद जो उनकी जो समस्या है कटाव और विस्थापित का उसको लेकर के वहाँ के बात करेंगे, और स्थानीय जो उनके कटिहार प्रशासन है उसको कड़े निर्देश देंगे, जो कटाव के लेकर के काम चल रहे हैं, जो वर्क काम चल रहा है, जेसीबी है या अन्य तरह के जो काम चल रहे हैं जिससे कि कटाव रोका जा रहा है, उस काम को खुद अपने देखेंगे। शिवानी आपको बता दें, नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर हैं और इस मामले को वो बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह इस काम को किया जाए। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।